नमस्कार, आप देख रहे हैं NMH न्यूज़। मैं आपके साथ बबलू किलोरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जाजू सागर डैम पर, जहां पर नगरपालिका, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर जो अवैध रूप से पाइपलाइनें किसानों ने अपने कुएं में डाल रखी थी, उन सभी पाइपलाइनों को उखाड़ा जा रहा है और उन्हें जहाँ से जब्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 JCB की सहायता से यहाँ निरंतर कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे से जो चालू है, जो अभी तक चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर नगरपालिका CMO जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की यह कार्रवाई है। और जी सर, ये नगरपालिका और जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल नीमच ज़िले में काफ़ी अल्प वर्षा हुई है और हमारा पेयजल का मुख्य स्रोत जाजू सागर डैम ही है। इस वर्ष ये 50% भी नहीं भर पाया है। यहाँ जाजू सागर डैम के आसपास किसानों के द्वारा अवैध रूप से पाइपलाइनें डाल करके और जल को मोटरों के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई की जा रही थी, जिसके कारण काफ़ी तेज़ी से इसका जल स्तर कम हो रहा था। हम लोगों ने इन लोगों को समझाइश भी, सूचना पत्र भी दिए और समक्ष में बुला करके उनसे मीटिंग भी करी। समय अवधि भी दी कि आप अपनी पाइपलाइनें वगैरह हटा लीजिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं हटाया। तो आज प्रशासन के सहयोग से नगरपालिका के द्वारा ये संपूर्ण जितने लोगों ने पाइपलाइनें बिछाई थी, पूरी पाइपलाइनें हटाने का कार्य किया जा रहा है। सर, कितनी JCB की सहायता है इससे यहाँ ली जा रही है और क्या क्या यहाँ साधन संसाधन मौजूद है? करीब 13 JCB है हमारी, उसके अतिरिक्त ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर वगैरह सब लिए जा रहे हैं। 100 से अधिक कर्मचारी, पुलिस प्रशासन वगैरह सब साथ में हैं और हम लोगों ने अभी तक के करीबन 45 पॉइंट से पाइपलाइनें जब्त कर ली है और यह कार्रवाई अभी निरंतर जारी है। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अवैध खेती भी की जाती है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी मुख्य समस्या पेयजल की थी, चूँकि अभी आचार संहिता भी लगी हुई है, इस कारण से पेयजल को संरक्षित रखना परम आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हमारे में शहर में पेयजल की बहुत संकट की स्थिति आ जाती। इस कारण सबसे पहले हम ये पाइपलाइन हटा रहे हैं, चुनाव के ठीक पश्चात हम लोग सीमांकन करके यहाँ पर और अवैध खेती का जो भी सीमा, जो अवैध खेती हमारी ज़मीन में कर रहे हैं, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। सर, एक और यहाँ देखा जा रहा है कि जो सर यहाँ पर जो डैम प्रभारी वगैरह जो भी हैं, उनसे मिलीभगत के आरोप भी यहाँ पर निरंतर लगते आए हैं कि पैसे लेके अवैध खेती करवाई जा रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी, क्या रहेगा? अगर इस प्रकार से अवैध रूप से पैसे, मतलब पैसे लेकर और इसे कार्रवाई मतलब करने वाली बात आती है कि इनसे खेती करवाई जा रही है, तो हम ये कार्रवाई नहीं करते। ये कार्रवाई अपने आप में प्रमाण है कि ऐसी कोई कर्मचारियों के द्वारा पैसे लेने संबंधी कार्रवाई नहीं की गई है और बकायदा हम लोग इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। और एक भी बंदा अभी तक यहाँ ऐसा बोलने के लिए मेरे समक्ष में नहीं आया कि फलाने आपकी व्यक्ति ने हमसे पैसे लिए और हम लोगों को कनेक्शन करवाएं या हमको अवैध खेती के लिए प्रेरित किया है। सर, लगभग कितने NGO यहाँ पर किसान है जो पाइपलाइन डाल के ये कर रहे, मतलब पानी ले जा रहे थे, क्या? अभी तक हमने 40 पॉइंट तो हटा दिए हैं और अभी हम आगे और देख रहे हैं, संभवतः 15-20 पॉइंट हमको और मिलेंगे। ऐसे करीबन 60 पॉइंट, आप मान लीजिए कि 60 पॉइंट हम लोग हटाएंगे आज। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ एक जो बड़ी कार्रवाई है, यहाँ नगरपालिका और जिला प्रशासन और द्वारा यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हो कि निरंतर यहाँ पर जो 2 दर्जन भर JCB यहाँ पर चल रही है और यहाँ पाइपलाइनें निरंतर उखाड़ी जा रही है। करीब यहाँ 2000 बीघा खेती है, जहाँ पर लगातार जो यहाँ पानी के लिए जो ज़मीन आवंटित है, इसको लेकर जो अवैध खेती निरंतर यहाँ पर की जा रही है, यह सुर्खियों में बनी हुई थी। लेकिन अब जो आचार संहिता लगने के बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर एडिशनल SP और 5 से 6 थाने के प्रभारी और इसके साथ ही यहाँ पर 25 करीब पटवारी और 3 RI सहित बड़ी तमाम यहाँ पर संख्या में यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, SDM ममता खेड़े सहित कई तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद है और यह कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया, NMH न्यूज़ के लिए। कार्रवाई की जा रही है, जाजू सागर बांध का जो जलाशय है वो नीमच शहर के लिए पेयजल आपूर्ति का काम करता है। इस बार औसत वर्षा हुई है, इसलिए जलाशय में जल संग्रहण अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाया है। आसपास के लोगों की ये टेंडेंसी है कि वो यहाँ से पानी को लिफ्ट करते हैं और निकटवर्ती जो कुएँ हैं उनमें डालते हैं, फिर वहाँ से आगे ले जाते हैं। इस तरह पेयजल के लिए जो पानी है, जो मात्र पेयजल के रिजर्व के लिए रिजर्व है, वो दूसरे उपयोग में आ रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो नीमच शहर में पेयजल संकट होगा।
इसी आशंका को दूर करने के लिए आज यहाँ एक बड़ी कार्रवाई प्लान की गई थी, जिसमें पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही हैं और जो पानी लिफ्ट करने के साधन हैं वो उनको हटाया जा रहा है। मैम कितना अमला पहुँचा है, कितनी जेसीबी से किया जा रहा है? लगभग 200 से 250 लोग हैं, कई सारी जेसीबीज और दूसरे अन्य साधन लगे हैं ताकि ये इसको पूरी तरह रिमूव किया जा सके। मैम जो पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही है, कितने बीघा खेती यहाँ पर हो रही थी इन पाइपलाइनों से, क्या है? ये तो सैकड़ों हेक्टर भूमि है, क्योंकि यहाँ से मूल स्रोतों की तरह ले जाए गए हैं और कुओं को संबल की तरह यूज़ करते हैं, यहाँ से अपने कुएं में डालते हैं और कुएं से आगे ले जाते हैं, तो ये सैकड़ों हेक्टर भूमि के लिए था। चूँकि पेयजल जो है वो प्रथम प्राथमिकता है और इस जलाशय को बनाया भी पेयजल के लिए ही गया था नगर पालिका के द्वारा, तो इस प्राथमिकता के आधार पर जो आसन्न जल संकट है उसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है।